So today I will teach about presentation layer, and presentation layer is one layer out of seven layers of SI reference model, and there are four important works of presentation layer: translation, compression, encryption, decryption, and authentication. So we'll see one by one. So translation is the first and foremost work of presentation layer. So what do you mean by translation? The presentation layer is responsible for data translation into a standard format. क्या मतलब हुआ कि सेंडर मान लीजिए कि एक जर्मन स्पीकर है और एक फ्रेंच स्पीकर है. अब जर्मन फ्रेंच नहीं समझता, फ्रेंच जर्मन नहीं समझता, लेकिन दोनों इंग्लिश समझते हैं. तो क्या होगा, बीच में कोई एक मीडिएटर रहेगा, ट्रांसलेटर रहेगा, जो कि जर्मन को इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा और रिसीवर को देगा. और रिसीवर चूंकि वहां पर उनका जो भी ऑफिस है या वो खुद वो इंग्लिश को समझता है, तो इंग्लिश को फ्रेंच में चेंज कर लेगा. वही कॉन्सेप्ट है. मान लीजिए सेंडिंग एंड कंप्यूटर ASCII कोड समझता है, रिसीविंग एंड कंप्यूटर एप्सेडिक कोड समझता है. ASCII इज 7-bit कोड, एप्सेडिक इज 8-bit कोड, लेकिन दोनों एक कॉमन कोड को समझते हैं. इस कॉमन कोड का नाम अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है. इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स नोटेशन भी लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर टेनेनबॉम भी लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स नोटेशन ट्रोजन भी लिखा है. तो कुछ भी हो, माने कि ASCII को एक कॉमन कोड या एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स नोटेशन में कन्वर्ट करेगा और भेजेगा, और रिसीवर एंड पर एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स नोटेशन को अगेन एप्सेडिक में चेंज करके रिसीवर को कंप्यूटर को दिया जाएगा. इस तरह से ASCII और एप्सेडिक एक दूसरे से बात कर पाएंगे थ्रू दिस कॉमन कोड, जैसा जर्मन फ्रेंच में हुआ. सेकेंड, तो दिस इज द वर्क ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर. ट्रांसलेशन, प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसलेशन इनटू ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट. वही जो कॉमन कोड या सिंटैक्स नोटेशन बोले, एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर बोले, तो उसमें इस तरह से इट मेक्स कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन टू एंड्स, सेंडर एंड रिसीवर, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कोड्स. सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर इज कंप्रेशन. कंप्रेशन में भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक लॉसी एक लॉसलेस. क्या होता है कि हम लोग जो ऑडियो वीडियो फाइल बनाते हैं, अक्सर व्हाट्सएप में भी जाता है, फेसबुक व्हाट्सएप में, तो ये क्या है, बहुत ओरिजिनल साइज देखी जाए तो बहुत ज़्यादा होती है, तो पूरे का पूरा नहीं भेजा जाता, बल्कि उसको कंप्रेस करके भेजा जाता है. कंप्रेशन रेशियो में भी 10:1 और एनीथिंग लाइक दैट. तो दो प्रकार के कंप्रेशन होते हैं, एक लॉसी एक लॉसलेस. लॉसी में क्या होता है, कुछ बिट्स लॉस हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन. लॉसलेस में एग्जैक्टली सेम बिट ही पहुंचता है. तो लॉसलेस का एग्जांपल है जिप फाइल, लॉसी का एग्जांपल है जेपीजी एमपीईजी. जेपीजी का फुल फॉर्म बता दूं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप जेपीईजी कंप्रेसेस इमेजेस एंड फोटोज. जो हम लोग फोटो खींच के भेजते हैं वो जेपीजी से जाता है, और दूसरा एमपीजी का है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप. एमपीजी कंप्रेसेस वीडियो, वीडियो के लिए क्या रहता है, एमपीजी फाइल रहती है. एंड एज इट साउंड्स कम, लॉसी कंप्रेशर कंप्रेशन में रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ सम डाटा. जैसे आपने बताया कि लॉसी में कुछ बिट्स लॉस हो जाते हैं, लेकिन उसका फायदा ये है कि ये इसमें कंप्रेशन रेशियो इज वेरी हाई, माने वो काफी छोटी साइज की हो जाती है फाइल. मान लीजिए 10:1, मान लीजिए 1000 बिट को भेजना है और वो कम होके 10 बाइट हो गई. 100 बाइट को भेजना है मान लीजिए और वो कम होके 1 बाइट हो गई, तो काफी माने कि बहुत हेवी कंप्रेशन रेशियो के साथ इसमें जाता है. लेकिन बस इतना ही नुकसान है कि कुछ बिट्स लॉस हो जाते हैं. जबकि लॉसलेस में क्या होता है कि एक भी बिट इधर से उधर नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन. कारण यह है कि मान लीजिए सी का एक प्रोग्राम आपने भेजा और रिसीविंग एंड टू उसका एक छोटा सा कैरेक्टर या बिट भी चेंज हो गया, तो कंपाइलर विल रिजेक्ट एंटायर प्रोग्राम, कंपाइलेशन एरर आ जाएगी. माने कि इट इज इम्पॉर्टेंट दैट एंटायर फाइल रीचेज एज इट इज सेंट, हूबहू वैसे ही पहुंचे.
इसलिए जिप फाइल इसका एग्जांपल है, और इसमें नुकसान ये होता है कि कंप्रेशन रेशियो कम होता है। तो देर आर डिफरेंट एल्गोरिथम, जैसा कि लॉसी के लिए मैंने बताया जेपीजी और एमपीजी होता है, वैसे लॉसलेस के लिए एक हफमैन इनकोडिंग होती है HUFFMAN, और दूसरी रन लिंक्ड इनकोडिंग होती है PAGE 686 ट्रोजन पे लिखा है, आर द टू मेथड्स फॉर लॉसलेस कंप्रेशन। हफमैन इनकोडिंग एंड रन लिंक्ड इनकोडिंग आर द टू मेथड्स फॉर लॉसलेस कंप्रेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें अक्सर पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पे रन लिंक्ड इनकोडिंग शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि अपना मेन यहाँ पे फोकस है प्रेजेंटेशन लेयर, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। रन लिंक्ड इनकोडिंग में क्या होता है कि रन लिंक्ड इनकोडिंग कॉन्सिक्वेंट अपीयरेंसेस माने कंटिन्यूअस अपीयरेंसेस ऑफ ए डाटा यूनिट आर रिप्लेस्ड बाय वन ऑकरेंस एंड नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा बनाया हुआ अपना एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको भेजना है 110 और 4 और 4 8 बार 1 लिखा है, फिर 0 फिर 4 और 4 8 बार 2 लिखा है, इतने लंबे सेक्वेंस को आपको भेजना है। तो ये कैट कंटिन्यूअस अपीयरेंस हो गया, 1 1 रिपीट है, 2 2 रिपीट है, तो आप 1 कितनी बार रिपीट है 8 बार, 2 कितनी बार रिपीटेड है 8 टाइम्स है। तो हम लोग यहाँ एक हैश सिंबल लगाएंगे और 1 के आगे 8 लिख देंगे, हैश सिंबल लगाएंगे 2 के आगे 8 लिख देंगे, माने आपका सिक्वेंस क्या ट्रांसमिट होगा रन लेंथ इनकोडिंग में, ये 110 हैश और 18 टाइम्स, और फिर 0 तो रिपीट नहीं है, इसलिए आई जिट इज 0 आया, फिर हैश सिंबल आया और 2 2 कितने बार रिपीट है 8 टाइम्स। तो ये मेरा सेल्फ बनाया हुआ एग्जांपल है समझाने के लिए रन लेंथ इनकोडिंग को। आई थिंक इट इज क्लियर रन लेंथ इनकोडिंग। So this is another work of presentation layer compression which we have discussed. Now third important work of presentation layer is encryption decryption. Encrypt माने encode करना, decrypt माने उसको decode करना। दो प्रकार की methods होती हैं encryption decryption में, cryptography कहलाता है। तो एक होता है private key और दूसरा होता है public key। ये स्ट्रक्चरल चार्ट मैंने बनाया है अपने से, आपको लोग अच्छे से समझ में आए जैसे। और प्राइवेट की को सिमेट्रिक की भी कहा जाता है, पब्लिक की को एसिमेट्रिक की भी कहा जाता है। और सिमेट्रिक की और प्राइवेट की को कन्वेंशनल मेथड कहा जाता है, पब्लिक की को या नॉन कन्वेंशनल मेथड कहा जाता है। प्राइवेट की मेथड इज यूज व्हेन देयर इज वन सेंडर एंड वन रिसीवर, एक ही सेंडर और एक ही रिसीवर है तो प्राइवेट की का यूज होगा। लेकिन व्हेन देयर आर मेनी सेंडर्स एंड वन रिसीवर, फॉर एग्जांपल कस्टमर्स एक्सेसिंग देयर अकाउंट्स इन ए बैंक, कई सारे कस्टमर स्टेट बैंक या कोई बैंक में अपना अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं, तो देयर आर मेनी सेंडर्स एंड वन रिसीवर, उस केस में पब्लिक की मेथड यूज की जाती है, इसको एसिमेट्रिक की भी कहा जाता है। खासियत ये कि प्राइवेट की में डिक्रिप्टिंग और एनक्रिप्टिंग की सेम रहते हैं, दो प्रकार के कीज होते हैं, एक डिक्रिप्ट माने इनक्रिप्ट करना माने कोडिंग करना, और दूसरा उसको डिकोडिंग करना, दो कीज होते हैं, तो ये दोनों सेम रहते हैं। लेकिन पब्लिक की में दोनों कीज डिफरेंट रहते हैं, तो KD माने डिक्रिप्टिंग की, KE माने इनक्रिप्टिंग की, बोथ आर सेम इन प्राइवेट की मेथड, एंड KD एंड KE आर नॉट सेम इन पब्लिक की मेथड। दिस इज द थिंग। और यहाँ पर मैं बताऊं कि जो पब्लिक की मेथड है, इसका एग्जांपल है वन वेरी फेमस एल्गोरिथम, दैट इज RSA एल्गोरिथम। तो दैट वाज डेवलप्ड इन 1978 बाय 3 साइंटिस्ट, राइवेस्ट, शामिर एंड एडलमैन, दीज आर द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट। तो RSA कौन सा एल्गोरिथम है? पब्लिक की एल्गोरिथम है। अगर हम लोग बात करें प्राइवेट की एल्गोरिथम में, तो इसमें हम लोग दो मेथड्स बताते हैं, आपके डिवाइड कर सकते हैं दो मेथड में, एक है कैरेक्टर लेवल, दूसरा है बिट लेवल। कैरेक्टर लेवल इज द सिंपलेस्ट मेथड, फॉर एग्जांपल देयर इज वन सेंडर वन रिसीवर, मैंने बताया कि किसका यूज होता है जब देयर आर वन सेंडर वन रिसीवर। तो मान लीजिए कि टेस्ट वर्ड इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसमिटेड, और ऐसा है कि उसको कोई दूसरा अगर सुन ले तो भी वो उसको समझ में ना आए, तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैं भेजूंगा
उसका एक एक कैरेक्टर हाई करके या आगे करके तुम उसको रिवर्स कर लेना। तो वो क्या भेजेगा, टी का यू, ई का एफ, इसका टी, टी का यू, ये मेरा अपना बनाया हुआ एग्जाम्पल है। तो रिसीवर इज नोइंग दिस मेथड, माने दोनों में अंडरस्टैंडिंग पहले ही है कि हम ऐसा एनकोड या डिकोड करेंगे, तो वो उसको समझ में आएगा कि यू की जगह वो भेजा गया है टी। तो इस तरह के मेथड्स का अनफॉर्चुनेटली टेररिस्ट वगैरह भी यूज करते हैं ये सब, तो जिससे कि कोई ट्रैप कर ले, सुन ले, पढ़ ले तो उसको समझ ना आए। तो ये कैरेक्टर लेवल है, इसमें दो टाइप्स होते हैं, मोनो अल्फाबेटिक, दूसरा पॉली अल्फाबेटिक। मोनो अल्फाबेटिक का मेथड है सब्स्टिट्यूशनल, पॉली अल्फाबेटिक का मेथड है ट्रांसपोजिशनल, दैट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट मच ऑफ डिटेल टुडे। और बिट लेवल में देर आर मेथड्स कॉल्ड इनकोडिंग डिकोडिंग, परमुटेशन, सब्स्टिट्यूशन, प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव और रोटेशन। ये हम लोग कभी पढ़ेंगे अपने उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी के टॉपिक में, जब ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तब। आज का हमारा फोकस है प्रेजेंटेशन लेयर, तो इतने ही में इसको लिमिट कर रहे हैं। बिट लेवल के अंदर ये छः मेथड्स हैं, बहुत ईजी हैं, आप फ्रोजन की बुक से या किसी और बुक से पढ़ भी सकते हैं। पेज 678 पर फ्रोजन में ये सब मेथड का डिटेल दिया हुआ है, बहुत ईजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ सकते हैं। तो बिट लेवल में क्या है, एग्जाम्पल DES एल्गोरिथम, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसको ट्रिपल DES भी कहा तो नहीं जाता, इसका एक एडवांस रूप है। और DES वॉज डेवलप्ड बाई IBM इन 1977, IBM डेवलप्ड DES डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इन द ईयर 1977। आप अप्रिशिएट करिए कि 1977 में हुआ था यूज और आज भी यूज हो रहा है, स्टेट बैंक के ATM में ट्रिपल DES एल्गोरिथम का यूज होता है। तो और RSA का भी 1978 में, तब से लेके आज तक कोई एल्गोरिथम नहीं बना जो इसको रिप्लेस करता है, इतने सारे PhDs और रिसर्च होते रहते हैं तब भी। तो IBM डेवलप्ड DES और DES इज ए प्राइवेट की बिट लेवल इंक्रिप्शन मेथड। क्या होता है कि अक्सर ही कंफ्यूजन होता है इंटरव्यू या क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव कि DES इज विच टाइप ऑफ एल्गोरिथम, तो कभी कोई पब्लिक की कहता है, कोई प्राइवेट की, तो ये कंफ्यूजन मेरे साथ भी था। तो एक मेरी बनाई हुई ट्रिक है, DES माने मालूम है डाटा स्ट्रक्चर, सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर साइंस वाले, तो DES इज सिमेट्रिक की एल्गोरिथम, इतना याद रखें। तो DES क्या है, सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक के माने क्या हो गया, प्राइवेट की, तो बट नेचुरल है कि RSA क्या होगा, पब्लिक की वाला होगा। तो इस तरह से इस मेथड से आप याद रख सकते हैं, DES माने DES इज सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। लास्ट वर्क ऑफ दिस प्रेजेंटेशन लेयर इज ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब होता है, ऑथेंटिकेशन मीन्स टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, दैट इज टू वेरीफाई दैट द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स और नॉट, और इट इज कमिंग फ्रॉम सम अदर इंट्रूडर और इंपोस्टर। इट इज दैट मीन्स मैसेज इज कमिंग फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स एंड नॉट फ्रॉम एन इंट्रूडर और इंपोस्टर। दिस इज रिटन ऑन पेज 685 फ्रोजन एंड 600 110 इन मॉम। माने कि अगर एप्लीकेशन भेजा जाता है तो उसमें हम लोग अपना सिग्नेचर करते हैं, उससे पता चलता है कि ये ऑथेंटिकेट हो गया, हमारे ही है, माने जो सेंडर है वो एक्चुअल है, क्योंकि सिग्नेचर से पर्सन को ऑथराइज माने ऑथेंटिकेट या उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑफिस में। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दो मेथड्स हैं ऑथेंटिकेशन के, एक लॉगिन पासवर्ड है, दूसरा डिजिटल सिग्नेचर है। तो डिजिटल सिग्नेचर इज बेस्ड ऑन पब्लिक की इंक्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज 685 फ्रोजन पे लिखा है, प्राइवेट की इंक्रिप्शन नहीं है, पब्लिक की इंक्रिप्शन है। तो इस तरह से ऑथेंटिकेट किया जाता है सेंडर को, वेदर द सेंडर इज ए जेन्युइन और करेक्ट और ऑथेंटिकेट और नॉट। सो दिस इज ऑल द वर्क ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। सो आई थिंक इट इज क्लियर, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।